गुड मॉर्निंग एवरीवन। करीब 2 हफ्ते पहले कविता ई चेयर चैनल ने वर्ल्ड नंबर 1 फ्री ऑनलाइन हैंडराइटिंग कंपटीशन लॉन्च किया था विद अट्रैक्टिव ट्रॉफीज। तो उसी की हैंडराइटिंग्स यानी शॉर्ट लिस्ट एंट्रीज आज हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम विनर को एज अर्लियर टोल्ड वोटिंग के आधार पर नहीं सेलेक्ट करेंगे। ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमें पता चल सके कि आपको किसकी एंट्री ज़्यादा पसंद आ रही है, जिससे हमें फाइनल डिसीजन लेने में आसानी हो। इसमें जीतोगे तो पाओगे ये तीनों में से एक अट्रैक्टिव ट्रॉफी फ्री ऑफ कॉस्ट विद नो कुरियर चार्जेस। शॉर्टलिस्ट एंट्रीज की शुरुआत करते हुए बता दें कि पहली एंट्री है ऑफ प्रीत प्रधान, जिनका आप हैंडराइटिंग क्लियरली रीड कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। सेकंड है रोनित धवन की हैंडराइटिंग, जिसे भी आप स्क्रीन पर केयरफुली रीड कर सकते हैं। थर्ड हैंड राइटिंग है ऑफ कीर्थना पेरिया नाइक की, अगर स्पेलिंग बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी फॉर डैट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने भगत सिंह पर एक हैंड राइटिंग लिखी है, जिसे आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। फोर्थ एंट्री की बात करें तो वो है काजल शाह की, जिन्होंने रामनवमी के सब्जेक्ट पर एक हैंड राइटिंग तैयार करी है। नंबर 5th पर है एम ए रेशमा थसलीम, भगत सिंह पर इन्होंने एक इनोवेटिव और बढ़िया हैंडराइटिंग क्रिएट करी है। 6th है रजत डी हेगड़े, इन्होंने भी एक डायरी में रामनवमी पर एक हैंडराइटिंग लिखी है। 7th है वैष्णवी ऑब्लिक इच्छा वानखेड़े, आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने भगत सिंह पर एक लॉन्ग लेकिन काफ़ी डिटेल्ड और ब्रीफ बायोपिकल एक हैंडराइटिंग पेन की है, जो देखने में काफ़ी अच्छी है। 8th नंबर पर आती है भविका ठाकुर, भगत सिंह पर इन्होंने भी एक अच्छी हैंडराइटिंग तैयार करी है। नंबर 9 पे नाम आता है पियाशा देव का, अगेन भगत सिंह पर ही इनकी हैंडराइटिंग है, जिसे आप क्लियरली देख सकते हैं। नंबर 10 पर है एस साई संस्था, इनकी भी रामनवमी पर एक अच्छी हैंडराइटिंग है। नंबर 11 की बात करें तो वो है कृतिका भक्ता, जिनकी एज भले ही कम हो लेकिन इनका टैलेंट बहुत बड़ा है और इन्होंने हैंडराइटिंग काबिल तारीफ की है। नंबर 12 पे नाम आता है यशिका सोनी का, भगत सिंह पर इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया हैंडराइटिंग करी है, जो देखने में काफ़ी अच्छी है। नंबर 13 पर है स्मृति कार्तिकेयन, रामनवमी पर इन्होंने भी एक बढ़िया हैंडराइटिंग तैयार करी है। नंबर 14 पर नाम आता है अनन्या का, जिन्होंने भी भगत सिंह पर एक अच्छी प्रोमिनेंट हैंडराइटिंग तैयार करी है। नंबर 15 पर है जानवी मिश्रा, जिन्होंने हमारे प्रीवियस आर्ट कॉम्पिटिशन्स में कंजिक्यूटिव विनिंग पाई थी और इन्होंने हैंडराइटिंग में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। नंबर 16 की बात करें तो उस पर नाम आता है अद्रिजा बोस का, रामायण और रामनवमी से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग करी है। नंबर 17 पर है अंकिता मेहर, रामनवमी फेस्टिवल पर इन्होंने 4 to 5 पैराग्राफ्स की एक अच्छी हैंडराइटिंग की है। नंबर 18 पर है बृष्टि चक्रवर्ती, रामनवमी पर इनका टॉपिक ऑफ हैंडराइटिंग है। नंबर 19 पर है बालाजी मनी, शॉर्ट एसे ऑन रामनवमी इन्होंने लिखा है, जो देखने में काफ़ी अच्छा है। नंबर 20 पर है अंशुल डेनिस पिंटो, और इनकी हैंडराइटिंग पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आई, जो देखने में काफ़ी सरप्राइजिंग और बढ़िया है। 21 पर है सोहम मंडल, इन्होंने भी हैंडराइटिंग पर काफ़ी अच्छी टॉपिक पर रामनवमी का टॉपिक तैयार किया है। 22 पर है बस्मिता दत्त, इन्हें भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने रामनवमी पर एक अच्छी हैंडराइटिंग करी है। 23 पर है मेघा प्रजापति, जिन्होंने भी एक अच्छी हैंडराइटिंग करी है। नंबर 24 पर है हना एच, इनकी भी एज भले ही छोटी हो लेकिन इनका टैलेंट बहुत बड़ा है, इन्होंने काफ़ी अच्छी हैंडराइटिंग करी है अपनी एज के हिसाब से, इसे ज़रूर लाइक और वोट करें।
25 पर है शुभम मिश्रा, इनकी भी हैंडराइटिंग आप देख सकते हैं। 26 पर है गुरलीन कौर, इनकी भी हैंडराइटिंग आपको क्लियरली स्क्रीन पर विजिबल होगी। 27 पर है सरबजीत कुमार प्रजापति, रामनवमी पर इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया हैंडराइटिंग तैयार करी है। नंबर 28 पर है वंशिका भेरवानी, लेखन इस हैंडराइटिंग कंपटीशन में भगत सिंह पर भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया हैंडराइटिंग तैयार करी है। 29 पर है महेश्वरी सलोनी, जिन्होंने पॉइंट वाइज भगत सिंह पर तैयार करी है अपनी हैंडराइटिंग। 30 पर आते हैं जय प्रकाश पत्रो, इन्होंने रामनवमी पर एक हैंडराइटिंग तैयार करी है। अगली हैंडराइटिंग है 31 नंबर ऑफ प्रत्याशा विश्वास, लेखन हैंडराइटिंग कंपटीशन में इन्होंने भी भगत सिंह पर एक अच्छी हैंडराइटिंग तैयार करी है। नंबर 32 पर है कमरान अहमद, भगत सिंह पर इन्होंने भी अपनी हैंडराइटिंग अच्छी तरीके से लिखी है। भगत सिंह के इस लेखन कंपटीशन में मिथ्री एस 33 नंबर पर है, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया हैंडराइटिंग तैयार करी है। 34 पर है अनीशा कुमारी, इन्होंने भी भले ही थोड़ी शॉर्ट लेकिन अच्छी हैंडराइटिंग करी है। नंबर 35 पर है दीपिका कृति, इनकी भी इस लेखन कंपटीशन में आप रामनवमी की हैंडराइटिंग देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये नई जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।